नून आंटी जी कितने तसे आ जाओ ना। तुसी मान क्यों नहीं रहे बेटा, मैं तो अनुवास अस्पताल नहीं ले जा सकती। थोड़ी पप्पी ने गुस्से हो जाना, मेरी गल मन्नो, ऐथे ही रहो घर विच। नहीं आंटी, मैं अस्पताल जाना है। एक कड़ा प्रसाद मैं माता रानी नु भोग लगवाया, इन्हें उस छोटी बेबी नु खवाना है। वो छोटा है हले, ए नहीं खा सकता। नहीं आंटी, मैनु कुछ नहीं पता, मैं तो अस्पताल जाना है। जे तुसी मेरे नाल जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपे चल जाना, फिर ना कहना मैनु। चंगा ठीक है, ले चल दी हां। पर जे दीदी ने कुछ कहा तो मैं दस देंगी कि तुसी इत्थे आउन दी जिद कीती सी। ठीक है, दस देना उन्हां नु। साड़ी घर एक छोटा बेबी आंदल है, उन्हें इस गल की बहुत खुशी होनी है। ते जब उन्होंने कड़ा प्रसाद देखना ना, उन्होंने और कुछ होना तो मैं कुछ भी नहीं कहेंगी। होता चल नूरम छेती कर। चल छुटकू, चलो आंटी। पर छुटकू मैं तेनो एक पहले ही गल दस देना, जीवे ही नवा बेबी कड़ा प्रसाद खाऊगा तो मेनू दे दे, मेनू बड़ी चंगी खुशबू आ रही है ते मेनू खान का जी कर रहा है। अच्छा बाबा, मैं तेनो दे दांगी, पर पहले उस छोटे बेबी नु ता खान दे जिस लिए सी ये कड़ा प्रसाद बनाया है। चलो हुन। ना छुटकू, ऐसे मम्मी पापा की फोटो चंगी लगूगी, तू मैंने वो फड़ा ठीक है। चलो छुटकू, हुन तुसी छेती दूध पियो, ते रात काफी हो गई है ना, ते छेती सोन की तैयारी करो। ओके मां। नहीं ऐसे नहीं, उठे सोफे ते बह के पियो, इतने कितने डिगना पवे। ठीक है मां, पर तुसी पापा दी हेल्प करना। तुसी की कर रहे हो? अपनी फैमिली दी पिक्चर बुक बना रहे। आवे साड़ा फैमिली ट्रिप। हुन तू यही सोच रही होनी है ना कि यह खाली जगह क्यों है? साड़े आने वाले बच्चे लिए ओदी फोटो इत्थे आनी है। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਪਾਮੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਪੈਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁਕਾਂਗੀ। चल ठीक है, असी दोवे मिलके ही उन्हें चक लांगे ठीक है, पर किसी होर नू हाथ नहीं लान देंगे, चाहे कोई भी हो। वो ता समा ही दसूगा, जे तुसी दोवे ने मिलके मैंने तंग किता ना जा रोला पाया तो मैं सीधा माता रानी नू शिकायत ला देंगी। है दा भी ना, कुछ भी नहीं मिलता ना ते सीधा माता रानी दा पल्ला ही फड़ लेंदी है। मैडम जी, कदी अपने दिल दी जे गल हुंदी है ना उन्हें भी ते बाहर लियाओ है। हर चीज विच माता रानी दा सहारा लेना भी चंगी गल नहीं है। जे तुसी मेरे बच्चे नु मेरे कोलों ही दूर करोगे तां माता रानी दा सहारा तां लेना पैणा है ना। मैं ते मजाक कर रहा सी पामी, तू ते सीरियस हो गई। तेरे तो तेरा बच्चा कदी भी कोई दूर नहीं कर सकता, जिन्ना वो मेरा बच्चा है उन्ना ही तेरा भी है, जिन्ना मेरा ओदे ते हक है उन्ना ही हक तेरा भी। एक मां तो ज्यादा एक बच्चे नु प्यार ते कदी कोई नहीं कर सकता ना। हाँ पापा कर सकदा है। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਸ।
ठीक हो अम्मा? तुसी रो क्यों रहे हो? छोटा बेबी नहीं आया, कितने किस करके ताने? आजूगा अम्मा, पक्का आजूगा। आ देखो, मेरे लिए खरा प्रसाद लेके आई है। तेरा माता रानू भोग भी लाया, मैं अपने छोटे प्राया पहनू ही खवाने, तो फिर माता रानी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दे देना। मैं बहुत खेलांगी, तो उधर ध्यान भी रखिया करांगी। क्यों जानते हो माँ? जे तुहानू किसी गल दा दुख है तां तुसी माता रानी नू कहो ना, उन्हां ने तुहाडे हरेक दुख दूर कर देने ने। ओ तुहाडी भी सुनेंगे, तुसी उन्हां नाल गल तां करो माँ। उन्हें चिंतपूर्ण ने जो करना सी ओ तां उन्हां ने करता मेरी बच्ची, पर मैं उन्हां नू की कहा, की पूछा उन्हां कोलों? तुसी दुखी क्यों माँ? जे दुखी हो ऐसा मतलब हजे कहानी पूरी नहीं हुई है। तुसी ता कहंदे हो जब तक सब कुछ ठीक नहीं होंदा कहानी पूरी नहीं होंदी, क्योंकि हर कहानी दे आखिर विच ता सब कुछ ठीक हो जांदा है ना मां। ता फिर जाओ मां, मां चिंतपूर्णी नाल गल करो, उन्हां नूं अपने दिल दी गल दसो, ते उन्हां ने तुहाडे सब दुख दूर कर देने ने। जे उन्हां ने तुहाडे दुख दूर करने च देरी कीती ना, ते मैं भी माता रानी सामने अरदास करांगी, क्योंकि बच्चियां दी ता हुण छेती सुनदे ने ना। हाँ मेरी बच्ची, तो सही कह रही, और मैं माता चिंतपूर्णी नाल गल करके रवांगी, उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब देना ही पैना, उन्होंने दसना ही पैना कि सारे दुख मेरे ते क्यों आते ने, हर बार मैंने ही क्यों सारा कुछ सुनना पैंदा। बस माता रानी बस, इस तो पहला मेरी हर आस बेआस हो जावे, तेनु मेरे हर सवाल का जवाब देना ही पाऊगा, तेनु दसना ही पाऊगा कि हर बार मेरे नाल ही क्यों बुरा हुंदा, हर बार मेरी खुशियों का कत्ल क्यों हुंदा, जेड़ा तेनु दिन रात ते आंदा, दिन रात तेरी आरती करदा, ओनू ही क्यों रोना पैंदा, जे अज मेरा विश्वास जगमगा है ना, तो सिर्फ तेरे करके मां मैं आ रही हूं। हुण तैनूं मेरे हर सवाल का जवाब देना ही पऊगा, मैं आ रही हूं। सारे स्यापे पेंदे ने, सारियां खुशियां खोलियां इन्हां ने साडियां मावां धीआं ने, हुण नहीं रहण देंगी थानू इस घर च, ते हुण जदों करण नूं पता लगा ना कि इह सारा कुछ तेरी मां दा कीता होया, तां उहने आप ही थानू घर चों कढ देणा। पता नहीं केड़ा माड़ा समां सी जदों तेरी मां दा ध्यान पै गया सी, मोना दे हथ च गलास सी, उह तां पी भी नहीं सी रही, पर तेरी मां नूं अग लगी होई सी, सड़दी सी उह मोना ते बच्चे कोलों, तां ही तां उहने कीता इह सारा कुछ, ओदे करके होया सारा कुछ, ओदे करके ताही ता अज बच्चा मौत ते जिंदगी दे विचकार खड़ा है। हुण तां थोड़े मावां धीआं दे कालजे नूं ठंड पैगी होणी है ना ठंड, तुसीं तां इही सोचदियां होणियां ना कि इस नूं दुनिया च नहीं आउण देंगी, ते आप राज कराईआं इस घर दे, मेरे जोदे जी इह कदे नहीं हो सकदा, ते ना ही मैं होण देंगी, मैं हुणे करदी आं करण नूं फोन। भुआ जी रुको, करण वीरा घरे आई रहा ना वापिस, का तो उन्हें तंग करना है, जो घरे आऊगा उन्हें आपे सारा कुछ पता चल जाना है। आहो
मैं ओदा इंतजार करती रहा ना क्यों इन्होंने इत्थे मेरा सा लेना औखा किया पे उन्हें चढ़ाइया ने सर ते सारी शह ओदी ही दित्ती हुई है इन्हां नू मैं ता पहले दिनों ही इस कुड़ी दे खिलाफ सी पर नहीं उन्हें कदे नहीं मेरी सुनी ते ना ही कदे उन्हें मेरी मन्नी है ना उन्हें परवाह की मेरे चैन की बोझ ने बोझे दोने मावा तिया मेरे सिर ते बोझ बन के बैठिया ने तू जा बच्चों नू करे लेके जा मैं ड्राइवर नू कह दांगी तुहानू करे ला दूंगा मेरे पुत्र जा एक शायद बेबी ले ये समझ में थी तुसी इनू खा लेना सारा कुछ जो असि भोग रहे हैं। जिस दिन तो मेरे घर च पैर पाया ने उस दिन तो ही माड़ा हो रहा है चल इथो दफा हो जा इथो तेरे दर ते आ गई अम्मा हुण तेनु मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही पैना है जवाब हले बिना मैं कितने भी नहीं जावांगी बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है बच्ची खतरे तो बाहर है माते दरबार च आ गई हैं ते फिर हिम्मत क्यों छड़ दी हैं अपने विश्वास नू पक्का कर माँ दे सामने दीवा जगा उठ बच्ची माँ तेरे नाल खड़ी है तेरे सामने खड़ी हूँ मम्मा तू तो जान ही जाने ना ता दस मैनू केड़ी गलती हो गई मेरे कोलो बार बार मैनू क्यों इम्तिहान देने पैंदे ने और वो बच्चे मैं
ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਮਾਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੰਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ? ਕੀ ਕਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਬੱਚੀਏ, ਰਮਾਇਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਿਸਟਰ, ਸਿਸਟਰ, ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ! ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿਸਟਰ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਟਾਂਕੇ ਹਲੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ! ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਂਕੇ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਟਾਂਕੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼। ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾ। ਭਾਵਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਭਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵਨੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜੂਗੀ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੋਨਾ ਇੱਕ ਸੈਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ?
जे सच कहां पावनी ता मेनू नहीं लगता कि कुछ भी ठीक है। तुसी एवे क्यों कह रहे हो मैम? पावनी मैं तो वही कह रही हूं जो मैं देखिया ते समझिया। मोना अपने बच्चे नु लेके बहुत पोजेसिव है ते जिवें मोना नु होश आया उन्हें सिर्फ अपने बच्चे बारे पूछा जिवें होर कोई गल बारे तो सुनना नहीं सी चाहती। मैनू एक पल भी नहीं लगे कि सरोगेट मदर है। कोई नहीं डॉक्टर, मैं समझा देंगी उन्हें। मैं भी चाहनी हाँ कि जिन्ने जल्दी वह समझ आए ना उन्नी जल्दी चंगा है। ते मोना नू वेख के पावनी मैनू एक पल भी नहीं लगे कि अपने बच्चे नू ना किसी नाल शेयर करना चाहती है।